और ये इस वक्त तस्वीर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ली थी और आज पीएम ऑफिस पहुंचकर उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। और आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की वो मीटिंग भी लेंगे, तमाम नए मंत्री उसमें शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। पीएम ऑफिस पहुंचकर, प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। आज की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विनीत कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, तीसरी बार प्रधानमंत्री ने पीएम ऑफिस पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है, अब शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी होगी और कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक बार फिर एक्शन में नजर आ सकते हैं पीएम। जी सीनम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार संभालने के बाद एक्शन में आ चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया वह किसानों से जुड़ा हुआ जो निधि है, किसान सम्मान निधि है, उसको लेकर के साइन किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ा हुआ फाइल जो है उसको हस्ताक्षर किया है, जिसे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस पर 20,000 करोड़ से अधिक धनराशि जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में भी कहा था और जिस तरह से लगातार वो दावा करते रहते हैं कि उनकी जो सरकार है वो किसानों के प्रति समर्पित सरकार है और इसीलिए जब उन्होंने आज सुबह प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला है उसके बाद जो उन्होंने पहली बार जिस फाइल पर हस्ताक्षर की वो किसानों से जुड़ा हुआ फाइल है और किसान सम्मान निधि जिसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही किया गया था, उस फाइल पर जो है वो हस्ताक्षर किया गया है और जो 17वीं किस्त है किसान सम्मान निधि की उससे जुड़ी हुई फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया है और अब जो किसानों को 17वीं किस्त है किसान सम्मान निधि की वो जारी कर दी जाएगी इसके बाद। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो भी करेंगे, 5 बजे जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में बताया जा रहा है कि जो गरीबों के लिए जो आवास योजना है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण आवास योजना, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है कुछ बड़ा फैसला जो है वो ले सकती है। बिल्कुल विनीत, इस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो पीएम आवास योजना जिसका आपने जिक्र किया उसका बजट बढ़ाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मिल सके, तो इस तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं। और कैबिनेट की जो आज शाम की मीटिंग होनी है, कह सकते हैं पहली ये केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और सबकी नजरें इस मीटिंग पर रहने वाली है। विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबकी नजरें जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग पे रहेगी क्योंकि जिस तरह से हम देखिए ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो रूरल एंड डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रामीण विकास को लेकर के, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि वो गरीब कल्याण को लेकर के जो है वो काम करते रहेंगे। तो इसी तरह अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो ग्रामीण आवास योजना है जिसके तहत पिछले 10 साल में जो है वो लाखों मकान जो है वो दिए गए, अब जो है इसके बजट को बढ़ाने से संबंधित फैसले जो है वो किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में उन्होंने सभी मंत्रालयों से 100 दिन के एजेंडे को लेकर के भी जो है वो जानकारी मांगी थी, उस वक्त जो है अब जो है अब जब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है तो बहुत संभव है कि 100 दिन के एजेंडे को लेकर के भी इस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभी मंत्रियों को जो है वो टास्क देंगे कि आखिरकार वो 100 दिन के एजेंडे पे जुट जाए ताकि जिस तरह से उन्होंने विजन रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र जो है वो बनाया जा सके, इसकी मजबूत आधारशिला जो है वो रखी जाए, साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, उसको बनाया जा सके इसको लेकर के काम काज जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि विनीत अगले 100 दिन का एजेंडा भी आज की इस मीटिंग में तय किया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। We'll be right back.
पदभार संभालते ही किसान हित में फैसला। जी हां, किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी है। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ, और किसान हित के लिए हमारी प्रतिबद्धता रहेगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। किसान कल्याण के लिए पहली फाइल साइन की गई और इसी के साथ एक्शन शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री ने पहली फाइल जिस पर साइन किया, किसानों से जुड़ी, किसान हित के लिए ये समर्पित है सरकार, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पदभार संभालते ही किसान हित में फैसला लिया गया है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी गई है। पहला हस्ताक्षर किसानों के नाम, पहली फाइल जो साइन की गई, पदभार संभालते ही किसान हित में फैसला लिया गया। तो अभी फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, जब पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री, और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये देखिए पहली फाइल जब उन्होंने साइन की, उस दौरान की तस्वीर, पहला हस्ताक्षर किसानों के नाम किया गया, किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने को लेकर। तो 17वीं किश्त जारी कर दी गई, पदभार संभालते ही किसान हित में फैसला लिया गया। इसके अलावा अब शाम को कैबिनेट की मीटिंग होगी, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग शाम को 5 बजे तमाम नए मंत्रियों के साथ, और माना जा रहा है कि इसमें भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, 2014 की, 2019 और आज की, 2024 की, जब प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण किया उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला वो तस्वीर, उसके बाद 2019 में फिर से, और अब 2024 यानी कि आज की तस्वीर जब प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण किया। कल उन्होंने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण की थी, और अब आज कार्यभार ग्रहण किया। चलते ही किसान हित में फैसला लिया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर दी गई है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होना है। किसान हित के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसान कल्याण के लिए पहली फाइल साइन कर दी गई है। तो पहला कदम जो किसान हित के लिए आगे बढ़ाया गया है, ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 2014, 2019 और 2024। 2024 मोदी 3.0 का आगाज हुआ है, और सबसे पहले जो कदम उठाया गया है, जो कार्य हित, जो किसानों के कार्य हित में कदम उठाते हुए किया गया है, वो पहली किस्त जारी कर दी गई है। पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की ये किस्त जारी कर दी गई है। 17वीं किस्त है जिसको जारी किया गया है। पवन गौड़ और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है पवन गौड़, माफ कीजिए, लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है। सीधे रुक करेंगे पवन गौड़ की तरफ। पवन गौड़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, इस कदम के साथ सीधा संदेश जाता है कि किसानों के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ये बात कही है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई है, महत्वपूर्ण कदम किसानों के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने तमाम जो चुनावी जनसभाओं में सुना होगा या लगातार कई सारे कार्यक्रमों में सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो किसानों के लिए समर्पित है और किसानों के हित के फैसले लगातार लेती रही है, तो यही आज से दृश्य आपको देखने को मिला। जब अपने 3रे कार्यकाल में कल उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली, और उसके बाद में जब आप आज पदभार ग्रहण करने पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहला जो फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने के लिए। उन्होंने 17वीं जो किस्त है किसान सम्मान निधि की, उसको जारी करने के लिए कागज पर हस्ताक्षर किए। और इस पूरी किसान सम्मान निधि की बात करें तो 9.30 लाख करोड़ किसान हैं
उनको ये किस्त जाएगी, तकरीबन 20,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो लगातार जो है सरकार जो है किसानों के हित के फैसले लेती रही है, और जैसे ही आज प्रधानमंत्री ने अपना पदभार प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर संभाला तो सबसे पहला जो हस्ताक्षर जो था वो है वो किसान सम्मान निधि जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री ने आज किया। और कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया है कि हमारी किसान जो है वो हमारी सरकार जो है वो किसानों के लिए समर्पित है, किसानों के हित के फैसले लेती है। और ये बड़ा संदेश आज फिर से प्रधानमंत्री ने पहले जो अपना फैसला है उसका हस्ताक्षर करके लिए है। पवन गौड़, इस बात से ये भी समझा जा सकता है जो आज शाम को 5 बजे जो मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है, हम ये समझ सकते हैं कि 100 दिन का जो आगे रोडमैप तैयार होना है, 100 दिन के जो आगे कामकाज होने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो 100 दिन जिसमें सरकार अपना एक्शन दिखाती है, तो ये समझा जा सकता है कि जो पहला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में उठाया है, आज जो चर्चा होगी, जो बैठक होगी, 100 दिन का जो रोडमैप तैयार होगा, उसमें भी किसान अहम जगह पाएंगे, अहम मुद्दा रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी का चुनाव प्रचार देखें तो उन्होंने जो है वो ज्ञान के फॉर्मूले पर काम किया था, ज्ञान की लगातार चर्चा करते थे, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। तो ऐसे में अगर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ज्ञान का, उसमें अन्नदाता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण करते ही आप लोग को लगातार काम में जुट जाना है, देश को 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो एक लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर लगातार आपको काम करना है, लगातार आपको मेहनत करनी है। तो उसी को लेकर जैसे ही कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली तो उसके तुरंत बाद आज सुबह उन्होंने अपना पदभार संभाला और उसके बाद में आज ही शाम को कैबिनेट की बैठक शाम को 5 बजे बुला ली है और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकर आज फिर से 2047 में भारत को कैसे विकसित बनाना है, उसके साथ साथ जो 100 दिन का रोड मैप तो तैयार करने का तमाम लोगों को जो उन्होंने काम दिया था चुनाव से पहले, उस पर समीक्षा की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, उसमें किस तरह से गरीबों के हित के फैसले लेने हैं, किस तरह से युवाओं के हित के फैसले लेने हैं, किस तरह से अन्नदाता यानी किसान के हित के फैसले लेने हैं और किस तरह से नारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए फैसले लेने हैं, उन सब विषयों को लेकर आज की कैबिनेट में चर्चा होगी। बिल्कुल, तो यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 16 घंटे के बाद आप कहिए जो एक सबसे पहला कदम, जो पहली फाइल जो पीएम ने साइन करी है वो किसान हित के लिए साइन की है, जिसमें किसान हित से जुड़ी हुई किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई है। पवन गौड़।